गेहूं के आटे से बनाएंगे कम ऑयल में बहुत ही हेल्दी टेस्टी मज़ेदार सा नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले ऐसा नाश्ता जिसे कि आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में बना के खा सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, जिसमें कि हमने थोड़ा ऑयल डाल लिया है और थोड़ा नमक डाल लिया है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसमें हम पानी डाल के इसे गूंथ लेते हैं। तो इसका डो हम बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखेंगे, थोड़ा सॉफ्ट सा ही रखेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये डो तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल चिकना सा हमने डो बना करके तैयार किया है। अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 से 3 आलू लिए हैं, जिसमें कि हमने कटा हुआ प्याज डाल लिया है, कटी हुई धनिया पत्ता डालेंगे, हरी मिर्च डाल लेते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, जिससे काफ़ी चटपटा ये बनेगा, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला डाल लिया है। अब इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमने इसमें चीज़ को ग्रेट कर लिया है। इससे नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस स्टफिंग को तैयार करके रख सकते हैं और जब भी आपको ये नाश्ता बनाना हो फटाफट से ये नाश्ता बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ये स्टफिंग तैयार हो चुका है। इस तरह से हम इसमें छोटा पोर्शन लेंगे और इस तरह से इसकी टिक्की तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से टिक्की बना लेने से हमारा नाश्ता बहुत ही आसानी से और झटपट से बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ हमने लोई ले ली, जिसमें सूखा आटा लगा के हम इसे बेल लेते हैं। तो अब इसी तरह से हमने 2 रोटी बना ली है और यहाँ पे हम एक कटोरी लेंगे, इसमें हम इस तरह से रोटी को डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो टिक्की बना के रखी थी उसे हम इसमें डाल लेते हैं और इसका टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा चीज़ डाल लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप इस रेसिपी में चीज़ का यूज़ ना करें। तो यहाँ दूसरी रोटी लेके हमने इसे इस तरह से कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, जो एक्स्ट्रा आटा है उसे अब हम इस तरह से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से करते हुए हम सारे एक्स्ट्रा आटा को निकाल करके इसे डो में डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप नाश्ते बनाते हैं ना, बहुत ही आसानी से बन जाता है और सारा नाश्ता जो है एक ही तरह से दिखता है, मतलब सबका साइज़ जो है एक ही तरह रहता है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने एक्स्ट्रा आटा को निकाल लिया है और इस तरह से अब हम इसे अच्छी तरह से फैला लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो स्टफिंग है ना वो चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाएगी, ना कि सिर्फ बीच में रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अब हम बाकी के भी नाश्ते बना लेते हैं और चलिए अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो आप चाहे तो वैसे इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर इसे हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ इसे शैलो फ्राई किया है। फ्रेंड्स, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस नाश्ते को आपको धीमी धीमी आँच में ही पकाना है, तभी ये बिल्कुल अच्छी तरह से सिक के तैयार होगा। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, दोनों तरफ से नाश्ता हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से बाकी के भी नाश्ते हम बना करके तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आप इसी तरह से इस नाश्ते को बनाइए और कम ऑयल में बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता तैयार हो जाता है। और फ्रेंड्स, आप इसे हरी चटनी या तो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये गेहूं के आटे से बनने वाली बहुत ही हेल्दी टेस्टी रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।